सरकार ने पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता साथी है उन सब की क्या क्या जिम्मेवारी है, इस तरह से तुम हट जाओ भाई यहाँ से, मुझे होगी थोड़ा ही चीजें बनाने, आप इधर आ जाओ। मैं तो चैनल से होगी इस चुनाव को कैसे बूथ के सतर तक लड़ा जाए, कैसे चुनाव में पार्टी का जो प्रत्याशी आपके बीच में है वो आपके अपने अपने गांव में शहर के कस्बे में शहर में कस्बे में अपने अपने बूथ के ऊपर जीत सके, इसके लिए मेरी ख्याल आपने बैठ करके सबने बातचीत करी हो। पिछले दिनों जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जिम्मेवारी लगी थी कि वो पूरे प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र के साथ से मिले और जो जो साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो जो लोकसभा क्षेत्र से अपना चुनाव में आना चाहे उसके नाम लेकर के आओ और जहां उनके नाम पे वहां दूसरे साथियों से विचार विमर्श करके आओ कि हमें यहां किससे पार्टी का प्रत्याशी बनाना चाहिए। हर लोकसभा क्षेत्र से किसी से 5 नाम थे, किसी से 7 नाम थे, किसी से कोई एक आधा वोट कम ज्यादा था। जब नाम आ गए उसके बाद पीएससी की मीटिंग बुलाई, उस पीएससी की मीटिंग में उन नामों पर चर्चा की और फिर ये तय किया कि चौटाला साहब से मिलकर के उनसे बताएंगे कि अपना अपना पार्टी का जो पदाधिकारी है, पार्टी का जो सीनियर साथी है, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग जो थे उनके नाम उनके सामने नाम रखे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी समय है, एक बार फिर कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर के किस को किस लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाए। आज की आप जो वाणी की मीटिंग है इसीलिए रखी गई, इस मीटिंग में भी कार्यकर्ता साथियों से सलाह ली जाए, कार्यकर्ता साथियों से पूछा जाए कि किस को ये जिम्मेवारी दे। यहाँ से भी कई सारे साथियों के नाम आए हुए, आपके अगर कोई और भी साथी समझ में है तो आप भी अपनी तरफ से बता सकते हो कि फला आदमी को या फला माता को बहन को किसी को टिकट या किसी युवा को इसको चुनाव में पार्टी की तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा कार्यकर्ताओं को पूछ करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनाने का काम किया। आज आपकी आखिरी मीटिंग है, कल अपने कुछ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी करनी है, इसलिए आपसे भी जानने की या तो आप कोई नाम सुझा दें, पर अगर आप नहीं सुझाओ तो फिर मैं कल चुटाला साहब से सुबह मिलूंगा, फिर मैं जाकर के ये कह सकता हूँ कि वाणी जो लोकसभा क्षेत्र मान भिवानी और दादरी के कार्यकर्ता साथियों ने आपके ऊपर छोड़ते भी आप इसको प्रत्याशी बढ़ाओगे उसको आपने दूसरे तो मान के चलो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो तो शो का शो फीसदी प्रत्याशी रोकने का काम करते हैं। ये आपके सामने है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और नया राजनीतिक दल है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं करी, उन्होंने तो अपनी दृष्टि दिल्ली से जारी करी है और हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके दृष्टि जारी करेंगे। आपसे तो एक ही निवेदन है
काम का बहुत समय है और मान के चलो 25 तारीख तक काम बढ़ता जाएगा, गेहूँ की कटाई आ जाएगी, पूरी संभालेंगे, गेहूँ निकालेंगे, उसके बाद फिर आके बिजाई के काम में लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जहाँ हम लगातार 5 वर्ष तक पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, जहाँ लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमने अलग अलग जगह पर आंदोलन चलाए, चाहे कोई मजदूर की लड़ाई थी, कोई कर्मचारी की थी, किसान की थी, किसी और किसी यूनियन की नहीं कोई विवाद थे, जहाँ सरकार किसी को दबाना और परेशान करना चाह रही थी, वहाँ उन्होंने लगातार उनकी लड़ाई को लड़ करके अपनी एक पार्टी की पहचान बनाने का काम किया। आपने संघ को भी इतना बड़ा मजबूत बना दिया था कि आम आदमी की जबान से एक बात कहनी शुरू कर दी कि अगला राज 100% इसके नेशनल लोकल पार्टी का बनेगा। और हमारा भोजन का जब समझौता हो जाता तब तो हमारे विरोधी भी कहने लगे, लेकिन विरोधी पचास दिन पारे थे, भाजपा और कांग्रेस दोनों इस काम पे लगी कि किसी तरीके से इनको सत्ता में आने से रोका जाए। उन्होंने कुछ हमारे जैसे स्वार्थी लोगों को अपने साथ खड़ा करके अलग एक राजनीतिक दल बनवा दिया। लेकिन आज एक फायदा आपको उस अलग दल बनने से हो गया, जो लोग मंच पे बैठते थे, जो केवल भाषण देते थे, चुनाव के वक्त में जो आपकी गाड़ियों में बैठ करके आपकी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ काम करते थे, भाषण तो देते थे कि हम चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष के साथी हैं, और जब इलेक्शन आता था तो फिर वो ये कहते थे कि जिसको टिकट दिया है पार्टी तो ठीक है, लेकिन जिसको उम्मीदवार बना दिए ये आदमी ठीक नहीं है, फिर वो उसके खिलाफ कई काम करते थे, उसके बाद उनकी राम कटती से। अब तुम देखना उनके जो प्रत्याशी आएंगे उनकी टांग खींचने वाले तो दूसरे थे, उनके अपने मिल जाएंगे आपको सारे पैसे। हमारे पास तो पहले जिसके संगठन के साथ जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने संगठन को मजबूत किया था, आज वो की रोटी रोटी खड़ी। हमने अगर कहीं उनको ये जिम्मेवारी दे दी थी कि तुम जाकर के नई मेंबरशिप बनाते तो कापियां घर ले जाने की जरूरत देते थे, किसी व्यक्ति से जाकर के ये नहीं कहते थे कि आप किसी को मेंबर बनाओ। हमने तो जो आंदोलन चलाए थे उस आंदोलन में भी हम इस चीज को भांप गए थे। जब आपका जेल भरो आंदोलन चल रहा था जो इनके साथ गए हैं उनके जुम्मे अगर हम लगा देते थे कि इस आंदोलन के दौरान तुमने लोगों से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए हैं, तो वो केवल और केवल दिखावे के रूप में तो कहीं चले गए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। हमने जब हरियाणा बंद किया था तब तो उनके विचारों की हालत ये थी, वो तो कहते फिरते कि बंद ना हो तो ज्यादा नहीं, वो तो 2019 थी 2024 की बात कर रहे थे। अब उस 24 के लिए अब तो वो ये कहेंगे कि हम तो 29 के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से तो पीछा छूट गया, और अब इस चुनाव के अंदर कोई फीसदी ये लोग तो साफ हो जाएंगे और आपकी पार्टी फिर से लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद जहाँ पहले आप खड़े थे, जहाँ आम आदमी आपके साथ खड़ा होकर के चाहे वो रेल में था, बस में था, कहीं था, इस बात का जिक्र कर रहा था कि अब की बार सरकार आपकी बनेगी, वो खुद से कहना था। औरों की तरह ज्यादा लंबी जुड़ी तो नहीं कहता कि अब 10 की 10 चीजें, लेकिन सोए फिर देर मान के चलो हमारा चंक सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा हमारे चीज कहेंगे, हमारे बाद कोई दूसरे दोनों के लोग सबसे बड़ा चंक आपका होगा, ज्यादा आपके जीत कहेंगे, तो फिर अगले चुनाव का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर तो ये जो भगोड़े किस्म के हैं, जो चाकूस किस्म कहते हैं, ये सोच फीस थी कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों से मिलेंगे कहेंगे कि हमें दोबारा से कुछ जगह दिला।
इस बात का ध्यान अब आपको रखना है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे वक्त में आपके पीठ में झूला घोंपने का काम किया जब आपके नेता जेल में बंद हो, अब तो जो समझौते भी है वो देखने वाले हैं, और खास करके इस इलाके के हर व्यक्ति को जाकर के ये बात आप लोगों को कहनी और समझानी चाहिए कि आज की तारीख में जो राजनीतिक दल हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे हरियाणा प्रदेश के किसान के विरोधी हैं। खास करके आपके इस इलाके में जिस 50 वर्ष लगातार लोग इस बात को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे खेत में भी कभी नहर का पानी आए, अभी कभी नहर के पानी से खेती करके कम पैसे खर्च करके आमदन बढ़ा लेंगे, हमारे यहाँ पे भी कभी बाग लग जाएंगे, हमारे यहाँ पे भी बच्चे जो है कहीं अच्छे स्कूलों में जाकर नहीं पढ़ सकेंगे, इसके लिए हमें नहर का पानी मिलेगा। उस नहर के पानी को रोकने वाले सारे आज जो है आपस में गठजोड़ करके चुनाव मैदान में आएंगे। अकाली दल का बीजेपी का समझौता हुआ, आपके इस इलाके में तो अकाली दल का कोई झंडा पकड़ने अभी नहीं हुआ, लेकिन उनका भी समझौता इसलिए हुआ है कि किसी तरीके से SYF के पानी को रोक दिया। कल को अकाली दल के लोग इस बात का दबाव भाजपा पर बनाएंगे कि हमने आपको समर्थन दिया था, आप हमारे पे पानी को लेकर के किसी किस्म का सरकार से दबाव नहीं। आज दोनों दल मिलकर, जबकि अकाली और हमारा आपस के अंदर जहाँ राजनीतिक विस्तार था वहाँ परिवारिक विस्तार, लेकिन हमने साफ कहा कि परिवारिक विस्तार तो आपसे रखेंगे लेकिन राजनीतिक विस्तार नहीं रखेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के किसान के लिए SYL नहर में जीवन रेखा है, और हम अपने प्रदेश के साथ किसी किस्म का कोई दूसरा राज्य अन्याय करें, हम अपने प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने लोगों को न्याय दिलवाएंगे, इसके लिए हमें कुछ भी करना। और हमने 2.5 वर्ष इस बात को लेकर के संघर्ष किया, लड़ाई की, लोकसभा के चुनाव के बाद फिर से नए सिरे से लड़ाई को शुरू करेंगे। जहाँ अकाली दल और भाजपा समझौता करेंगे, वहीं आप पार्टी वाले भी तो पानी का विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे पंजाब केजरीवाल कह रहा था इसके मैनिफेस्टो में था कि एक बूंद पानी के लिए, आज उसका समझौता भी हो रहा है, तो फिर मान के चलो जिन्होंने समझौता किया है वो भी नहीं चाहते कि SYL का पानी आपको मिले। ऐसे लोगों को गांव में जब आए तो 100% इनके सामने सवाल खड़े करने चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपने एक तरफ तो उन लोगों से फैसला किया है जो हरियाणा प्रदेश के खिलाफ अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, और दूसरी तरफ आप हमारे से वोट मांगने आए। चौधरी देवीलाल तो नहर बनाने के पक्ष पर थे, फिर ये जनता इनके नाम से चौधरी देवीलाल के नाम से नहीं, अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग आकर के पानी की बात करें तो कह देना भाई चौधरी देवीलाल जो चाहते थे वो तो नजदीक भी नहीं होते। ये सिर्फ इसलिए गठबंधन हुआ है कि चौधरी ओम प्रकाश कुटाला को किसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में आने से रोका जाए। पहले इन्होंने आपस में गठबंधन किया था, चौधरी ओम प्रकाश कुटाला को जीत के बाई इलेक्शन में रोकने के लिए, अब भी ये गठबंधन इसी बात का है। ये गठबंधन इस बात का नहीं है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, ये तो गठबंधन केवल और केवल इसलिए है कि चौधरी ओम प्रकाश कुटाला जेल की सलाखों के पीछे रहे, ताकि वो अगर जेल में रहेंगे तो इंडियन नेशनल वोमन पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर के कहीं मायूस होगा तो उसका फायदा तो नहीं मिलेगा। अब तक आप एक चीज और नजर डरा करके देखते, इनके साथ कोई और दूसरा यह है कोई कांग्रेस का गया हो, कोई बीजेपी का गया हो, या कोई और दूसरे तीसरी पार्टी का गया हो। हमारी पार्टी में तो अभी कांग्रेस से 18 गठजोड़ करके ज्वाइन किए, हमारे पास तो हर दूसरे राजनीतिक दल से लोग आते हैं, अरे ये सारा दिन हमारे वालों को टेलीफोन करते हैं तू पार्टी में शामिल आ जाए, तू हमारे पास आ जाए, आ तो देंगे, आ तो इनकी कड़ी देंगे, तुम्हारे पास है ये तो बता दे। इस लोकसभा के चुनाव के बाद सारी तस्वीर साफ होगी, इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ली तो नतीजे आपके फेवर में होंगे, नतीजे फेवर में होंगे तो फिर अगले राज के लिए आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मन बहुत था कि और बहुत सारी बातें करके जाऊँ, लेकिन मजबूरी है, अभी एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद मुझे दिल्ली में भी जाना है। तो इसलिए आप लोगों के जुम्मे काम है कि दिन में 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल करके लोगों से संपर्क करो कि 1 महीना बाकी है चुनाव, अभी से संपर्क करोगे तो 2 फीसदी लोग आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो फिर मतलब राजनीति में कहते हैं कि रोज हालात बदलते हैं, रोज नए समीकरण बनते हैं, राजनीतिक मूड टैंक पता नहीं किस करवट बैठ गया, आज रोजाना हालात बदल रहे हैं। हमने जब प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग करी थी उस दिन में आज के दिन में राजनीतिक हालात में बहुत बड़ा अंतर है, आने वाले 4-6 दिन के बाद फिर बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, जो सारे के सारे कौन कांस्य उम्मीदवार बनेगा, कौन कौन सा चेहरा आएगा, उसके बाद भी बहुत सारे समीकरण फिर बदलेंगे। इसके लिए हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि हमारे यहाँ उम्मीदवार कौन है, हमें तो केवल कैसे बूथ को जीता जाए इसके लिए अपने अपने गांव में और अपने साथियों से संपर्क करके बूथ की लड़ाई लड़नी है, बूथ को जीतने का काम करना है, बूथ जीत जाओ तो 100% आप अपनी लोकसभा की सीट यहाँ। तो मुझे लगता है कि समीकरण अपने आप ही उनके बारे ऐसे पड़ जाएंगे जिससे आपको ज़्यादा दौड़ लगाने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा समय लगाओगे तो सारी बात नहीं है। एक बात आपसे कहने करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।